हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड वन्ना। तो गाइस, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ इतनी अच्छी धूप लग रखी है और मैं छत में बैठी हूँ और पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, अभी हम जाएंगे पानी लेने। और जो जहाँ हम पानी लेने जाते हैं ना, उसको गढ़वाली में गदन कहते हैं। तो हम वहाँ गदन जा रहे हैं पानी लेने, और यहाँ से गदन थोड़ा दूर है। जो पीने वाला पानी होता है ना, वो वहीं से लाया जाता है, वो जड़ी बूटियों का पानी होता है। और वैसे जो दूसरे कामों के लिए होता है, वो तो ऊपर टैंकी से पानी आ जाता है। तो हम वहाँ जा रहे हैं अभी पानी लेने। दिखाती हूँ मैं कहाँ है, कैसी जगह है, और पैदल बहुत जाना पड़ता है और रास्ता भी कुछ ऐसा सही है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। इनका हाल देखो। ये देखो, और ये हमारी गौशाला है, और यहाँ पे हमारी गायें। हाय बाय, बाद में मिलते हैं, बाय गाइस। ऐसा कुछ रास्ता है और ऐसे रास्ते से जा रहे हैं। अभी तो इससे खतरनाक रास्ता आएगा। गाइस, ये पानी भर रहे हैं और दादी यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं। और ना, जिसकी बात मैं कल कर रही थी ना, पौधा जिसको हाथ लगा के बहुत खुजली होती है, वो ये है। देखो, इसमें ना कांटे होते हैं, और इस कांटे में अगर हाथ लग जाता है या कहीं पर लग जाता है ना, तो बहुत दर्द होता है और बहुत खुजली होती है। और ऐसा कुछ व्यू है पहाड़ों का, नज़ारे हैं ये पहाड़ों के। गाइस, अब हम जा रहे हैं, और उसने अपना डब्बा पकड़ लिया है, और भाई ने भी डब्बा पकड़ लिया है। दो पकड़े हैं। मैं तो कुछ नहीं लेके जाऊंगी, मैं खुद चली जाऊं, वही बहुत बड़ी बात है। हम ब्लॉगिंग करेंगे और ये लेके जा रहे हैं। देखो गाइस, यहाँ पे रास्ता कुछ ऐसा है कि ये सीधी चढ़ाई है, और देखो, और यहाँ पे चढ़ते हुए बुरा हाल होता है, बुरी हालत हो जाती है। दादी गाना गा रहे हैं। इस पहले कच्चे घर होते थे ना, तो यहाँ से मिट्टी लेके जाते थे उनको लेपने के लिए, उनकी लिपाई करने के लिए। देखो, एक गड्ढा सा हो रखा है ना, जो अभी भी लेकर जाया जाता है, जो हमारी कच्ची रसोई है ना, उसको लिपने के लिए यहीं से लेके जाते हैं कि मिट्टी। ये कुछ अलग ही टाइप की, देखना कैसे बैठा है ये देखना गाइस, ये क्या क्या करता रहता है। गाइस, ये ना बहुत पुराना पेड़ था, और ये इतना बड़ा था, और इसकी छांव इतनी ज़्यादा होती थी ना, पर जब पिछले साल यहाँ पे बारिश का मौसम था ना, तो ये पेड़ गिर गया था। रात को एक दिन बहुत तेज़ हवा चली थी, उसके कारण ये गिर गया, क्योंकि काफ़ी पुराना था ना, तो जड़ें इसकी कमज़ोर, 150 साल पुराना, उसकी जड़ें कमज़ोर हो रखी थी ना। मैं देखने में तो बहुत बड़ा और हरा भरा तो था ये, देखना गाइस इसके काम, घर वाले ना ऐसे ओए 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 ओए, गाइस ये हमारा ना घोड़ा है, इसका नाम रानी रख रखा है। रानी रानी गंदा हो रखा है, रानी भी क्या क्या लगा रखा है रानी ने। गाइस जी, देखो इसकी क्या हालत हो रखी है। ओह शिट यार, ओहो उसका पैर काफी देर से नहीं रह गया ना। ओहो
दादा यहाँ पे घास काट रहे हैं दादा। तो गाइस आज हम फिर जा रहे हैं पत्थर पे घूमने। पत्थर पे घूमने मतलब कि वहाँ पे एक पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है और वो एंड है, मतलब उससे नीचे खाई है। तो वहाँ पे जा रहे हैं हम ऐसे ही देखने घूमने, और बस सामने है उधर। तो चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। गाइस देखो ये रास्ता, पता नहीं ये रास्ता तो बहुत ख़राब हो गया, पहले तक तो ठीक था, ये देखो कैसा रास्ता है। बहुत झाड़ियाँ हैं यार यहाँ पे तो। सेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। अब तो हो गया है तो गाइस जो ये पत्थर है ना, यहाँ पे तो सारी झाड़ियाँ हो गया। पहले हम यहाँ से इधर भी जाते थे, ये तो चला जाता है क्योंकि घर पे रहने वाला है, पर हमको होती है प्रॉब्लम, मैं यहाँ से जाऊँगी तो बहुत दिक्कत होगी। पहले मैं गई थी वहाँ, पर अब तो, पहले जब छोटे में आए थे, अब तो यहाँ बहुत झाड़ियाँ हो रखी है। ये देखो कहाँ कहाँ से आ रहा है ये। और अगर यहाँ से बाय चांस किसी का थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ ना, तो डायरेक्ट नीचे, इधर नीचे। और ये झाड़ियाँ हैं, अब ये आ रखे हैं ना पेड़, झाड़ियाँ हो रखी है, नहीं तो पूरी गहराई दिखेगी, अभी नहीं दिखेगी। गाइज एक तरफ सूरज डूब रहा है और एक तरफ चंदा मामा जी आ रहे हैं, ये देखो। तो गाइज यहाँ पे अब हमारे को रात हो गई है, हम आए थे दोपहर, मतलब थोड़ी शाम के टाइम पे आए थे। यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, इसलिए हम यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठ गए और बस अब हम घर चलते हैं। तो गाइज आज हम चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं,
जहाँ पे मैं पैदा हो गई। अब तो खैर यहाँ पे सामान वगैरह दिया है दादा ने, ये मतलब हमारा कमरा है, यहाँ पे मैं पैदा हो गई। तो मैं उसी दिन ना यहीं पे हुई हूँ।